छोटा सा संदेश दूंगा सबसे पहले बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी, उन्होंने कहा है कि मेरी माताएं और बहनें, मेरे बुजुर्ग, मेरे छोटे भाई को सबको उनका क्रांतिकारी जय भी। उन्होंने कहा है कि साथियों, जब तक जिंदा हूं महापुरुषों का काम करता रहूंगा और जिस दिन मरूंगा उस दिन इस देश के अंदर ऐसे ऐसे बीज निकलेंगे महापुरुषों का काम करने के लिए कि मनवाली सरकार आप सब लोगों से हर बार की बात, क्योंकि भीम राज्य के लोग हैं, क्षमा चाहूंगा गलत ज्यादा बोलते हैं। मैं नमन करना चाहूंगा तथागत गौतम बुद्ध, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज, गुरु वाल्मीकि जी, गुरु नानक देव जी, गुरु कबीरदास जी, या वो तमाम संत महापुरुष जिन्होंने इस देश में समानता की बात की है, उनके चरणों में नतमस्तक होता हूँ। और डॉक्टर बाबा साहब बी आर अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, भगत सिंह, ऐसे ऐसे महापुरुषों को क्रांतिकारी स्वरूप माना। साथियों, शेखर भाई ने एक मैसेज और भिजवाया है, उन्होंने कहा है, अभी सब साथियों ने जिग्नेश भाई को बहुत सारी बधाई दी, लेकिन हम भीम आर्मी के लोगों ने बधाई नहीं जिम्मेदारी देना चाहते हैं, जो समाज ने उन्हें इज्जत बख्शी है वो इज्जत उन्हें बरकरार रखनी पड़ेगी। कैसे? आपको उनके राइट और लेफ्ट हैंड बन करके निकलना होगा, क्योंकि अकेले जिग्नेश भाई शायद कुछ ना कर पाए, लेकिन जब आप निकल के यहाँ से इस देश के अंदर जाएंगे तो बहुत कुछ हो पाएगा। साथियों, भीम आर्मी का मकसद इस देश में राजनीति करना नहीं है, भीम आर्मी का मकसद इस देश की व्यवस्था को परिवर्तित करना है। हम चाहते हैं कि जो कोई राजनीति करे इस देश में किसी की भी सत्ता रहे, लेकिन जनता का इतना दबाव और प्रेशर रहना चाहिए कि जब जनता हाथ उठा के तुम्हारे कह दे कि ये गलत है तो वो गलत है, नोटबंदी गलत है तो नोटबंदी गलत है, जीएसटी गलत है तो जीएसटी गलत है, और नौकरी नहीं दोगे तो ये भी गलत है। ये हम लोग चाहते हैं, ये सोचना आपको है, क्योंकि कल ऐसा भी हो सकता है, कल आप मुझे चुनाव जिता दे, चंद्रशेखर को चुनाव जिता दे, मोहित पांडे को जिता दे, जिग्नेश भाई को जिता दे, शैला रशीद को जिता दे, कल हम भी गलत हो सकते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि भारत के प्रत्येक घर घर से कम कांशीराम साहब पैदा हो, प्रत्येक घर से निकले। हाँ, जल्दी बोलो। हम घर घर में बाबा साहब को पहुंचाना चाहते हैं, इसमें आप सभी की जरूरत है, इस देश के कोने कोने तक बीमारी को पहुंचाना चाहते हैं। जिग्नेश की रैली में उसी को दे पाऊंगा, और जिग्नेश भाई जैसे युवा निकल कर सामने आए हैं, बहुत ताकत लगाई, बताया गया कि कार्यक्रम नहीं है, शोर बहुत है, कितने बजे के बाद बात करने वालों पास तक कोई रोक पाया नहीं, रोक पाया। अब आप सोचिए कि अगर हम सब एक साथ होकर के लड़ना शुरू कर देंगे तो जिस संघ की आज बात करते हैं, जिस भाजपा की आज बात करते हैं, उनकी पैंटे लगी हो जाए तो कहिएगा आप। लेकिन साथियों, अभी मैं यहाँ पर बैठा हुआ था, कुछ साथियों ने जातियों की बात कही, जातियों की, कि जातियां क्या है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि भीम आर्मी वालों की जातियां क्या है। अब वो प्रत्येक चमार है, वो वाल्मीकि, वो कंजर, वो डूम, वो रोपी, वो नाई, वो लुहार, वो पासी, वो कंजर है जिन लोगों पर शोषण किया जाता है। हम वो ब्राह्मण है जिन पर शोषण किया जाता है। हम वो क्षत्रिय है जिन पर शोषण किया जाता है। क्योंकि इस देश में दो व्यवस्था लागू है, ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद, और पूंजीवाद का शिकार वो प्रत्येक समाज है जिस पर शोषण किया जा रहा है। हम दलित की संज्ञा उन लोगों से लेते हैं कि जो शोषित है। साथियों, इस देश की छोटी छोटी व्यवस्थाओं को देखना, सहारनपुर से दिल्ली आए तो पता लगा कि बहुत सारे साथी आवाज उठाने के लिए है, लेकिन अभी तक क्षेत्रों में स्थिति यह है कि अगर एक लड़की का बलात्कार हो जाए तो उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं होती, 500,000 में पैसे हो जाते हैं, तो हम लोगों को लड़ाई वहां तक लड़नी है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में बिठाएंगे जगदेश भाई को, बिठाएंगे और साथियों के लिए लड़ेंगे वहां, और हम जैसे लोग लड़ाई लड़ेंगे जमीन पर, उन साथियों को न्याय दिलाने का काम करेंगे जहां पर आज तक कोई समानता की बात नहीं करता।
मेरा निवेदन है अपने आप सभी साथियों से कि साथ उसका दे जो सही हो, उसका साथ ना दे जो गलत हो, क्योंकि जब तक आपको कोई सही गलत की पहचान नहीं होगी तो काम इस देश का व्यवस्था आगे बढ़ने वाली नहीं है। अभी एक मूर्ख एमपी ने कहा संविधान बदल देंगे। अरे चंद्रशेखर पर देश द्रोह लगाते हो, जिग्नेश को बिना कारण फंसाते हो, उमर खालिद पर देश द्रोह लगाने की बात करते हो, उस नीच देश द्रोही को उस पर आते क्यों नहीं लगा? यह है असली देश द्रोह। जो लोग संविधान को बदलने की बात करते हैं, इस देश में सही मायने पर वो देश द्रोही है। जो लोग महिलाओं के सम्मान की बात नहीं करते, इस देश में वो देश द्रोही है। और ये जो मंच पर बैठे हुए लोग हैं, अभी कह रहे हैं ना मोहित पांडे जी कि भैया कुछ देखा जा रहा, पैसे नहीं है बैनर छपवाने के लिए, तो सोचना पड़ेगा हम लोगों को कि कौन किस दिशा में देश को लेकर जाना चाहता है। ये देश को पूंजीवादियों के हाथ में पूर्णतया सौंप देना चाहते हैं। जब भी तो चंद्रशेखर जैसे आज लोग जेल में है, क्योंकि वो बीज है। बीज कैसे? बीज जितने धरती में डालते जाओगे अम्बेडकर के बवाल पर, बीज उतना ज्यादा बाहर निकलता चला जाएगा। अब साथियों, आप सब लोगों को सोचना है, आप अपने क्षेत्र में जाकर के, आप अपने गांव में जाकर के, आप अपने जिले प्रदेशों में जाकर के कि क्या करना है। चंद्रशेखर भाई को बाहर निकालना है, नहीं निकालना, ये आपकी जिम्मेदारी है। बीमा कोरे गांव के हत्यारों को सजा दिलवानी है, नहीं दिलवानी, ये आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि व्यवस्था है, ये चलती रहेगी, व्यवस्था रुकने वाली नहीं है। आप चाहते हो व्यवस्था रुके, जिसकी बात इंद्रेश भाई बार बार करते हैं कि लोगों को रोजगार मिले, जिसकी बात इंद्रेश भाई बार बार करते हैं लोगों को जमीन मिले, तो व्यवस्था परिवर्तन में आप सबको अपनी हिस्सेदारी तय करनी होगी। अगर हिस्सेदारी तय नहीं करोगे तो काम नहीं चलने वाला। और हम भी बार निकलो और ये अनाउंस करते हैं सरकार को कि हम आरक्षण पर नहीं लड़ना चाहते। आरक्षण इतना सारे, हम इतने सारे हो चुके हैं, हमें इस देश के प्रत्येक जर्रे जर्रे में हिस्सेदारी चाहिए। हमें यहाँ की जमीनों में हिस्सेदारी चाहिए, यहाँ की नौकरियों में हिस्सेदारी चाहिए, यहाँ की पार्लियामेंट में हिस्सेदारी चाहिए, यहाँ के अच्छे बुरे सभी कामों में हिस्सेदारी चाहिए। साथियों, एक छोटी सी बात और, मैं इस मंच के जितने साथी हैं उन सबसे ज्यादा ये कहना चाहता हूँ कि भीम आर्मी 24 तारीख से पूरे देश के अंदर ये कार्यक्रम करने जा रही है, जिसका नाम होगा संविधान के सम्मान में भीम आर्मी मैदान में। वो कार्यक्रम की कोई पर्टिकुलर जगह नहीं होगी, आप जहाँ पर भी निवास करते हैं, आप जहाँ पर भी रहते हैं, वहां पर संविधान को लेकर के एक छोटी सी यात्रा, चाहे वो 10 कदम की यात्रा हो, वो कीजिएगा। उसका फैक्ट डालना चाहते हैं देश के ऊपर कि अभी संविधान को बचाने वाले लोग हैं, अभी भीम आर्मी जैसे कार्यकर्ता हैं, अभी चंद्रशेखर एडवोकेट ब्राह्मण जैसे कार्यकर्ता हैं। तो साथियों, मेरा निवेदन है आप प्रत्येक क्षेत्र में ये काम जरूर कीजिएगा। अब मैं इस मंच पूरे मंच का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया, यहाँ पर आकर बोलने का मौका दिया। इस बीच अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए क्षमा चाहूंगा। जय हिंद।